ようこそ私のソウルソサエティへ。एपिसोड की शुरुआत में हमें उरियो दिखाया जाता है जिसे एक होलो चेज कर रहा था और बेचारा उरियो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि लास्ट स्प्रिट वर्ल्ड टूर में उसने अपनी पावर्स को खो दिया है जिस वजह से अब वो मुसीबत में पड़ चुका है। और फिर उरियो अपने गैजेट्स का यूज करके भागने की कोशिश करने लगता है पर ये मॉन्स्टर एक एडवांस लेवल होलो था जो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उरियो के पीछे आ जाता है जिससे बेचारे उरियो की अच्छे से चटक जाती है मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही होलो अपनी जीभ से हमला कर देता है। मगर लास्ट मोमेंट पर उरियो का फादर रियोगन यहाँ आ जाता है जो एक ही वार में इस होलो की जीभ उड़ा देता है। तो अपने फादर को देखकर उरियो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि अभी तक उसने एज्यूम कर रखा था कि रियोगन तो एक नॉर्मल ह्यूमन है जो क्विंसी पावर्स को यूज नहीं कर सकता। मगर अटैक इंटेंसिटी के हिसाब से तो रियोगन ऑब्वियसली कैप्टन लेवल फिगर है तो उरियो को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसी समय होलो जोर जोर से टकराने लगता है तो रियोगन फुल टशन में उसकी धज्जियां उड़ा देता है पर उरियो अभी तक शॉक से बाहर नहीं आया है क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि रियोगन हमेशा से क्विंसी से नफरत करता आ रहा है। तो अब रियोगन क्विंसी पावर्स को यूज कैसे कर सकता है जिस पर वो अपने फादर से सवाल जवाब करने लगता है तो रियोगन उसे क्लियर कर देता है कि भले ही मैं क्विंसी पावर्स से नफरत करता हूँ पर जो भी हो मैं क्विंसी आर्ट्स का रियल हायर हूँ यानी कि लास्ट क्विंसी। और रही बात तुम्हारी तुम तो बस एक हाफ बोन हो जो बात सुनकर उरियो काफी ज्यादा अपसेट था जिस पर रियोगन बिना ध्यान दिए उरियो से कह देता है कि मैं तुम्हारी लॉस्ट पावर्स को रिस्टोर कर सकता हूँ मगर तुम्हें इसके लिए एक कंडीशन पूरी करनी होगी कि आज के बाद तुम कभी भी किसी शिनिगामी से कांटेक्ट नहीं रखोगे। तो ये सुनकर उरियो काफी ज्यादा अपसेट था क्योंकि रियोगन बेसिकली उसे इचिगो से दूर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें मेगा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कॉन को बुरी तरह से चेज कर रहा था जिससे बेचारे कौन की फटी पड़ी थी। तो होलो जब उसका डिनर बनाने वाला था तभी उरियो की डॉल्स यहाँ आ जाती हैं, जो कौन को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती हैं, जिनका कौन काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। वेल ये तीनों कौन की तरह मॉड सोल्स हैं जिन्होंने अब ह्यूमन बॉडी को पजेस कर रखा है। तो रिरिन उसे टॉन्ट करने लगती है कि तुम ओल्डेस्ट मॉड सोल हो मगर तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। पर तभी इन्हें बैड फीलिंग्स आने लगती हैं क्योंकि बिग फैट मॉन्स्टर इनके पास आ चुका था जो अब इन चारों को डिनर बनाना चाहता था। तो रिरिन अपनी स्प्रिट पावर का यूज करके मॉन्स्टर को इल्यूजन में फंसा देती है जहां वो फेक इचिगो से फाइट करने लगता है मगर फेक तो फेक होता है जिसे ग्रैंड फिशर आसानी से हरा देता है और इस वजह से रिरिन का इल्यूजन भी टूट जाता है। पर अब तक कौन यहां से भाग चुका था पर विद इन सेकंड मॉन्स्टर उसे कैप्चर कर लेता है। वेल शुरुआत से ही ग्रैंड फिशर कौन से मजे ले रहा था ताकि वो इचिगो को सोल रीपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवा सके मगर इस ढक्कन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस टाइम इचिगो की बॉडी में कौन है जो कि सोल रीपर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो अब वो इरिटेट होकर इचिगो की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला था पर तभी एक बीम ऑफ लाइट उसका अटैक रोक लेती है जो कि ऑब्वियसली एक डिफेंस स्पेल था एंड सरप्राइजिंगली ये पावरफुल स्पेल उस चार्म से रिलीज हो रहा था जिसे इशीन ने इचिगो को दिया था जिसे देखकर कौन काफी ज्यादा शॉक था मगर सरप्राइज तो अभी भी बाकी था क्योंकि डैडी इशीन यहाँ पर आ चुके थे जिसने सोल रीपर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके पास कैप्टन लेवल हाउरी थी यानी कि ये बंदा कभी पहले कैप्टन रह चुका है। तो ये सब देखकर कौन काफी ज्यादा शॉक था कि ये फनी ओल्ड मैन पहले कभी सोल रीपर था मगर इशीन कौन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि आज वो ग्रैंड फिशर को मार कर अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता है क्योंकि 7 साल पहले ग्रैंड फिशर ने उसकी वाइफ की सोल का डिनर बना लिया था। वहीं सिंजी और इचिगो ने इशीन का सुपर स्कैरी स्प्रिट प्रेशर सेंस कर लिया था जिससे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो लोग महसूस कर सकते हैं कि कोई सुपर स्ट्रॉन्ग शिनिगामी हंट में शामिल हो चुका है
जिसका स्प्रिट प्रेशर इन्हें क्रीपी वाइब्स दे रहा है। तो इचिगो कौन की डायरेक्शन में जाने लगता है, जिस पर सिंजी बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो इचिगो को रिक्रूट करने आया था, जिस पर इचिगो उसे क्लियर कर देता है कि मैं एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर हूँ, जिस वजह से मैं किसी भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा। जिस बात पर सिंजी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि कभी न कभी इचिगो को वाइजर ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वहीं इशिन कौन को डिफेंस चार्म लौटा देता है, ये कहते हुए कि ये चार्म इचिगो के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि इचिगो अपना ख्याल रख सकता है, बल्कि ये चार्म तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो कौन को भी एहसास हो जाता है कि ओल्ड मैन उसके बारे में शुरुआत से जानता है। तो इशिन भी क्लियर कर देता है कि जिस दिन तुम फर्स्ट टाइम घर में एंटर हुए थे, उसी दिन मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका था। चाहता तो मैं तुम्हें उसी दिन डिस्ट्रॉय कर सकता था, मगर मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। तो इस बात पर कौन रिलीफ फील करने लगता है, जिसके बाद ग्रैंड फिशर फाइट कर रेडी हो जाता है, क्योंकि अब वो इचिगो का बदला उसके फादर से लेने वाला है। इस बात से बेखबर कि ये ओल्ड मैन इचिगो से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक ही हिट में ग्रैंड फिशर की धज्जियां उड़ा सकता है, जिसके बाद ग्रैंड फिशर अपनी ट्रू फॉर्म धारण कर लेता है, जिस पर कौन काफी ज्यादा शॉक था कि ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। साथ ही उसके पास मेगा साइज ज़ानपाक्टो है, जो कि सिर्फ शिनिगामीज के पास होनी चाहिए। तो अब कौन को समझ नहीं आ रहा है कि एक हॉलो ज़ानपाक्टो को यूज कैसे कर सकता है। तो इशिन उसे क्लियर कर देता है कि ये फैट मॉन्स्टर एक अहंकार है, जो कि मैनस ग्रांडे लेवल हॉलो की इवॉल्व फॉर्म होती है, जहाँ हॉलो अपने मास्क को रिमूव करके सोल पावर्स को हासिल कर सकते हैं। मगर इनफैक्ट ये हॉलो एक टेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि हॉलो वर्ल्ड में कोई ल्यूनेटिक हॉलोस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसका रिजल्ट ये ग्रैंड फिशर है, जो बात ग्रैंड फिशर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो वह इशिन को टॉन्ट करने लगता है कि तुम इतनी छोटी सी ज़ानपाक्टो से मेरा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बड़ी ज़ानपाक्टो उतना ज्यादा स्प्रिट प्रेशर होता है, यानी कि मैं तुमसे कहीं गुना स्ट्रांग हूँ। मगर इशिन उस पर ध्यान दिए बगैर अटैक कर देता है, जहां वो एक ही अटैक में इस मॉन्स्टर को निपटा देता है, जिसे देखकर कौन काफी ज्यादा शॉक था कि इशिन ने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया है। तो इशिन उसे क्लियर कर देता है कि कैप्टन लेवल फिगर्स अपनी ज़ानपाक्टो की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हर कैप्टन को टावर साइज ज़ानपाक्टो से फाइट करनी होगी। मगर ये सब चीजें कौन को समझ नहीं आती। वैसे गाइस, इचिगो एक सुपर स्कैरी मॉन्स्टर है, जिसके बारे में आपको 2023 वाले सीजन में पता चलने वाला है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।